नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है भारत की संसद के बारे में यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है और हम ये जानना चाहिए कि कैसे इलेक्शन होते हैं, संसद क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, किनका क्या कार्य होता है, सारी चीज़ों को जानना जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। सो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। चलिए दोस्तों देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे हम लोग भारत के संसद के बारे में यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, बेसिक से शुरुआत करेंगे, लास्ट में एमसीक्यूज के माध्यम से सारे क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे। बट ये शुरुआत कब हुई या कैसे आई ये? भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है और ये संसद बना किससे है यानी कंसिस्ट ऑफ। सो भारत की संसद को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि भारत की संसद बनी किससे होती है यानी भारत के संसद कहते किसको हैं। सो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों का मिलके ही भारत का संसद बनता है। सो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संसद कंसिस्ट ऑफ यानी इंडियन पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर भारत की संसद बनती है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हाउसेज हैं और राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, कैसे ये हो सकता है। पर रियलिटी में यही है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनी होती है। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हाउसेज है, सो दो हाउस है और एक व्यक्ति है, तीन को मिलकर भारत की संसद बनती है। सारे टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑलरेडी हम लोगों ने राष्ट्रपति को बारे में डिटेल में डिस्कस किया और एक वीडियो बनाया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रपति से जुड़े हम लोग कवर किए हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, वेतन कितने दिनों का होता है, कैसे उन्हें चुना जाता है, क्या प्रक्रिया होती है, महाभियोग क्या होता है, कैसे हटाया जाता है, कितनी एज लिमिट होनी चाहिए और आज तक क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट या चीज़ें हमको याद में रखनी है। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख लीजिए। अच्छे तरह से मैंने समझाया, आपके राष्ट्रपति पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे लोकसभा के बारे में। तो आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, कि संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है तथा उच्च सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति कौन है, कि भारत का महामहिम होता है या तो देश के पहले नागरिक होते हैं ये राष्ट्रपति, और तीनों सेवाओं यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के कमांडर ऑफ चीफ। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि सब देश में कही जाने वाली सबसे ज़्यादा पावर होती है इसके पास और ये देश के मुखिया कहे जाते हैं तथा कार्यपालिका के भी मुखिया होते हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। सो तीनों को मिलकर बनता है हमारा भारत का संसद। बात करेंगे लोकसभा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, बट पहले देखते हैं अनुच्छेद यानी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। आर्टिकल्स जो है आपको याद में रखने हैं मात्र तीन आर्टिकल्स ध्यान में रख लीजिए, आपके मेनली कंप्लीट हो जाएंगे। आर्टिकल 79 जो कि भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 80 जो कि राज्यसभा के बारे में बताती है, जो कि है उच्च सदन। नेक्स्ट है आर्टिकल 81 जो कि है लोकसभा के बारे में बताती है, जो कि है निम्न सदन। सो आप लोग रिवर्स से भी याद कर सकते हैं 81, 80 और 79। कैसे याद करना है एक ट्रिक भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि लोकसभा में वोटिंग के लिए मिनिमम एज होती है कितनी, 18 को आप रिवर्स कर दीजिए कितना हो जाता है, 81। सो डायरेक्टली याद हो जाएगा अनुच्छेद 81 लोकसभा बताता है। सो बैक कर लीजिए, अनुच्छेद 80 राज्यसभा बताएगा और 79 संसद बताएगा। सो तीनों चीज़ें आपके कवर हो जाते हैं यहाँ से, 79, 80 और 81 आर्टिकल यानी अनुच्छेद। सो बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको याद रखने यानी ध्यान में रखने हैं लोकसभा के बारे में। पर पहले बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा लोगों की सभा है यानी मेरी और आपके जैसे लोगों की सभा है और हम लोग वोटिंग राइट का यूज़ करके उसे चुनकर किसी व्यक्ति को भेजते हैं, किसी व्यक्ति को चुनते हैं, उसके एमपी के लिए हम लोग मेंबर पार्लियामेंट के लिए हम लोग खड़े करते हैं और उसके बाद हम अपना वोटिंग राइट का यूज़ करके उन्हें हम लोग एमपी तक पहुंचाते हैं। बट शुरुआत कैसे हुई इस लोकसभा की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों इसकी शुरुआत यानी 1951 में सितंबर अक्टूबर में इसकी तैयारी हुई और फरवरी मार्च तक ये तैयार हो गया, यानी मान लीजिए फरवरी में ये पूरा हो गया और अप्रैल 1952 में जाके लोकसभा का गठन हुआ। सो गठन याद में रखिए, कब गठन हुआ इसका, अप्रैल 1952 में गठन हुआ था किसका, लोकसभा का। बट ये स्टार्ट कभी यानी पहली बैठक इसकी कब हुई, 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को इसका पहला बैठक हुआ था किसका, लोकसभा का।
और अभी जो हम लोग लोकसभा देख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दूसरी बार चुनकर वो आए हैं सरकार में। और ये कितने नंबर की लोकसभा है, ये 17वीं लोकसभा भी चल रही है नरेंद्र मोदी की सरकार की, और इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कितनी सीटें होती है लोकसभा में, क्या क्या चीजें होती है बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा की शुरुआत कैसे हुई या क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या होता है, संसद का निम्न सदन होता है। इसके अलावा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, सो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्य का। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है, तो जनता द्वारा डायरेक्टली लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो 17वां लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ, MPs को हम लोगों ने ही तो चुनकर भेजा, क्लियर है। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के सदस्य द्वारा नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। एंड नेक्स्ट देखेंगे योग्यता के बारे में कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा न्यूनतम उसकी आयु यानी मिनिमम एज कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ बेसिक हमारे भारतीय लोकसभा के बारे में। चलिए तो देर न करते हुए हम लोग MCQs की ओर बढ़ते हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलेंगे मात्र 3 सेकंड का वक्त। अगर आप लोगों को इनमें से किसी का भी उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सारे ही प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा में कितनी सीटें होती है। सीटें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लोकसभा में 545 सीटें होती है, ठीक है। अब सीटें का जो मुद्दा है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी होती है। जैसे कहीं कहीं पे आपको क्या लिखा मिलेगा, 552 सीटें लिखी मिलेगी, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 550 सीटें, कहीं कहीं पे आपको दिखेंगे कैसा फॉर्म 545 प्लस 7 सीटें, कहीं कहीं पे आप देखेंगे लिखा है 543 और प्लस 2 सीटें, कहीं कहीं पे आपको दिखेंगे 530 प्लस 20 और प्लस 2, इस फॉर्म में भी दिखेंगे। बट मैं बता दूं कि ये सारी ही चीजें सही है, कोई भी गलत नहीं है। बट कैसे आपको ध्यान में रखनी है, कैसे समझना है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये सारी ही सीटें सही है बट अलग अलग कंडीशन से इसके, ये आपको समझना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे इनका लेवल बढ़ रहा है। सो आपको प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ाना होगा, आपको नॉलेज बढ़ाना होगा, तभी आप लोग अच्छे से एग्जाम फाइट कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं 552 सीटों का क्या चक्कर है। तो ये जो 552 सीटें हैं ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ MPs है, यानी कि भारतीय संविधान में लिखा है कि इससे ज्यादा MPs कभी भी नहीं हो सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा MPs हो सकते हैं वो 552 हो सकते हैं। सो ये मैक्सिमम है 552, इसका क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आते हैं 550। अब 550 क्या है, तो ये जो 552 है इनमें से 550 जो है वो पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, यानी जनता के द्वारा चुनी जाती है, और 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। सो ये 550 जो है वो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चुने जा सकते हैं, इसी के कारण इसे 550 कभी कभी लिखा जाता है। और 2 जो है वो जनता चुन नहीं सकती है, उसे तो राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होती है, सो इसे नहीं लिखा जाता है, इसलिए 550 कहीं कहीं आपको मिलेंगे। अब ये 545 प्लस 7 इसका क्या चक्कर है देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 550 मैक्सिमम है ये कभी भी अभी तक अचीव नहीं कर पाया है, क्योंकि 545 पे ही इलेक्शन होते हैं, और ये जो 7 है ये कभी भी इस पे इलेक्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अगर हम लोगों को ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मिल जाती है तभी इन 7 में जो है वो इलेक्शन हो पाएंगे। सो अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 552 लिखेंगे। उनमें से अगर 2 हटा दिया जाए जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, तब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। इसके अलावा 545 में इलेक्शन होते हैं और 7 जो है वो किसके द्वारा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है जिसमें इलेक्शन नहीं होते हैं। अब ये 543 प्लस 2 ये क्या है, सो 543 में इलेक्शन होते हैं हमारे और 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। सो 545 टोटल जो है इसको इस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 543 में इलेक्शन होते हैं और 2 में जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन को, ठीक है। तो इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे जो 2 है इसको लेके बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो एंग्लो इंडियन 2 चुने जाते हैं, इसका क्या चक्कर है। तो दोस्तों ये जो 2 चुने जाते हैं ये हमेशा नहीं चुने जाते। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि अगर ये जो 543 यानी 545 जो है इसमें से अगर एक भी एंग्लो इंडियन ना चुना जाए
तब राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर होता है कि ये दो एंग्लो इंडियंस को जो है वो चुनकर भेज सकता है लोकसभा में। तो एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनका संबंध जो है ब्रिटेन से हो, यानी कि ऐसे व्यक्ति एंग्लो इंडियन, एंग्लो का शब्द है आंग्ल, आंग्ल शब्द से बना है एंग्लो, आपको पता है, यानी कि अगर किसी के दादा दादी या कोई भी जो है वो शादी किए हो इंडिया में आकर शादी किए हो जो कि एक विदेशी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को चुना जा सकता है एज ए एंग्लो इंडियन, जिनका संबंध कहाँ से होना चाहिए? अंग्रेज से उनका संबंध होना चाहिए। इन दो में कभी भी कोई इंडियन डायरेक्टली नहीं चुना जा सकता है। और इसे कौन नॉमिनेट करता है? इसे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, पर राष्ट्रपति डायरेक्टली अपनी मर्जी से किसी भी दो व्यक्ति को नहीं चुन सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से इन दो व्यक्तियों को चुना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है, लोकसभा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? निम्न सदन के नाम से जानते हैं, अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, या तो लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, यानी सही उत्तर होगा यह सभी। लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन या लोकप्रिय सदन, इन तीनों नाम से ही जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ईजी हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो सही उत्तर होगा कि लोकसभा का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि लोकसभा का वर्णन है आर्टिकल 81 में, जिसे कि आप लोग 18 साल मिनिमम एज है उसको उल्टा करके कर सकते हैं आर्टिकल 81। राज्यसभा का वर्णन है आर्टिकल किसमें? 80 में, जबकि भारतीय संसद का वर्णन है आर्टिकल 79 में। ये तीनों तो आपको याद हो जाते हैं, बट दोस्तों थोड़ा सा टफ एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में पूछा जा रहा है, जैसे कि थोड़ा सा आप लोग हायर एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें पूछा जा सकता है कि ये जो मैंने थोड़ी देर पहले एंग्लो इंडियन के बारे में बताया कि दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, सो इसके बारे में वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? सो इसके बारे में आर्टिकल 81 में कोई वर्णन नहीं है। इसके लिए दो आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो आर्टिकल कौन सा 331, और दूसरा कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल 366। ठीक है, आर्टिकल 331 में सीट्स के बारे में लिखा है कि दो एंग्लो इंडियन को चुन सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जा सकती है। और आर्टिकल 66 में लिखा गया है परिभाषा, यानी एंग्लो इंडियन किसे कहा जाएगा, इसकी परिभाषा में लिखा गया है कि मूल रूप से जो है इंडियन है, इसे परिभाषा के बारे में लिखा रहा है, यानी कि एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे, जिसके फादर या मदर, ठीक है, जिसके फादर या जिसके ग्रैंडफादर, जिसके पिताजी या दादा अंग्रेज रहे हो या मूल रूप से इंडियन हो और माँ मूल रूप से इंडियन हो, उसे ही हम लोग एंग्लो इंडियन कहेंगे, और इसके बारे में आर्टिकल 366 में लिखा है, जबकि सीट्स के बारे में आर्टिकल 331 में रख लिखा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 और भारतीय संसद के बारे में आर्टिकल 79 में लिखा है। सो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सही उत्तर है कि योग्यता क्या होनी चाहिए कि मिनिमम उसकी एज 25 साल होनी चाहिए, वो भारत में भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तीन क्राइटेरियाज होनी चाहिए एज ए लोकसभा सदस्य। एज लिमिट के बारे में ध्यान में रखिए, 25 साल मिनिमम वो पूरा कर लेना चाहिए। अगर लोकसभा की जगह राज्यसभा लिखा रहता तो ये एज बढ़ के हो जाता 30 साल, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों में कंपेरिजन करके याद रखिएगा तो इजिली आप याद रख सकते हैं, 25 साल लोकसभा जबकि राज्यसभा के लिए हो जाती है 30 साल। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो सही उत्तर है लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। जैसे थोड़ी देर पहले 5 साल पूरे हुए थे मोदी सरकार के, फिर से लोकसभा इलेक्शन हुए, फिर से मोदी सरकार सरकार में आई, तो 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का, उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है और फिर से इलेक्शन होता है। सो एक और कंडीशन है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, यानी कि सपोज कीजिए किसी आपातकाल हो जाए और 5 साल पूरा हो जाए, फिर भी क्या एक्सटेंशन हो सकती है या उस आपातकाल के दौरान ही कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। सो राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल पावर होती है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा को जो है वो 1 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिए 1 वर्षों के लिए एक्सटेंशन किया जा सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यालय को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्षों का कर दिया गया था, तो सही उत्तर है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर कर दिया गया 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न वही बनेगा आपको जो ध्यान में है कि सर अभी तो 5 साल है पर बढ़ा के कर दिया गया क्या,
तो 42वें संविधान संशोधन में 6 साल किया गया था, फिर बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में तो लोकसभा का कार्यकाल को फिर से घटाकर कर दिया गया, कितना 5 वर्ष। तो दोनों ध्यान में रखिए, 42वें संविधान संशोधन में बढ़ाया गया, फिर से 44वें संविधान संशोधन में घटा के अगेन 5 वर्ष कर दिया गया। सो अगला प्रश्न, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही। और हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, याद रखिए जीबी मावलंकर हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अबे हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, साथ में कितने नंबर के लोकसभा अध्यक्ष है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित कर सकता है? तो सही उत्तर है, किसी विधेयक को, या तो वो धन विधेयक है या नहीं है, उसे लोकसभा अध्यक्ष ही घोषित कर सकता है, ठीक है। सो अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है, यानी अगर रेजिग्नेशन देना चाहे लोकसभा का अध्यक्ष तो वो किसे अपना रेजिग्नेशन देगा? तो सही उत्तर है, वो रेजिग्नेशन देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। बहुत सारे लोग राष्ट्रपति लिख देते हैं पर ये गलत है, लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? तो सही उत्तर है, आरक्षण से संबंधित है कौन सा? आर्टिकल 330, याद रखिए अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सरकार बनाने के लिए बहुमत कहाँ से प्राप्त करना होता है? तो सही उत्तर है, कोई भी जब सरकार बनाती है, आपको पता होगा अभी हमारी जो मोदी सरकार बनी तो कहाँ से बहुमत प्राप्त हुआ? उसे लोकसभा इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन के बाद ही तो एमपी चुने गए, तब जाके एमपीएस का हेड यानी मुखिया कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी जी। सो राज्य सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि धन विधेयक, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कोई भी विधेयक का कौन घोषित करता है, धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा घोषित करता है, पर धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो सही उत्तर है, इसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर पहले देखते हैं कि इसे लाया कहाँ जाता है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाता है कहाँ पे? लोकसभा में। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं, ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये विपक्ष के द्वारा पेश किया जाता है। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या तो कमजोर करने की उम्मीद से इसे पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार लाया जा सकता है, और इसमें क्या होता है, सरकार को अपनी मेजोरिटी बतानी होती है, अगर वो मेजोरिटी नहीं पूर्ण कर सकता है तो सरकार गिर जाती है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के लिए समर्थन के साथ, वो नोटिस देगा तभी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा जो है वो रखा जाता है, और केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। और एक और प्रश्न आपको ध्यान में रखिए कि अगर पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास प्रताप प्राप्त नहीं कर पाए थे। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सही उत्तर है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है किसके प्रति? सो मंत्रिपरिषद का गठन ही होता है लोकसभा के द्वारा, सो मंत्रिपरिषद डेफिनेटली किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति होगा। अब मंत्रिपरिषद जो टर्म है वो कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। सो बता दो, मंत्रिपरिषद जो होता है वो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री को मिलकर हम लोग कहते हैं मंत्रिपरिषद, और उसका मुखिया कौन होता है यानी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सो मंत्रिपरिषद आप लोगों को समझ में आ गया कौन होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बीमा विभाग के मंत्री, ये तीनों मिलकर बनते हैं मंत्रिपरिषद, और ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, और मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? तो सही उत्तर, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 17 अप्रैल 1952 में गठन किया गया था, पहली लोकसभा का गठन किया गया था, और फर्स्ट लोकसभा हुई थी 13 मई 1952 में हुई थी, और पहले लोकसभा में 400 सीटों पे इलेक्शन हुए थे, याद रखिए कितने सीटों पे, 489 सीटों पे इलेक्शन हुए थे प्रथम लोकसभा में, बहुत बार पूछा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो है किसने हासिल की थी, कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी, और दूसरे नंबर पे भाकपा थी, याद रखिए भाजपा नहीं है ये, भाकपा, भाकपा, ठीक है, दूसरे नंबर पे भाकपा थी जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, ये दूसरे नंबर पे थी। इस वक्त भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी भाकपा, और पहले नंबर पे थी कांग्रेस, ठीक है।
और भारत में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 को। कहीं कहीं भी यहाँ पे आपको 13 मई 1952 भी दिख जाएगा, पर दोनों ही सही है। अप्रैल और मई कहीं कहीं पे अंतर मिल जाते हैं अलग अलग पुस्तकों में। 13 अप्रैल 1952 या 13 मई 1952 दोनों में से एक आपके ऑप्शन में रहेंगे, पर दोनों ही सही है। याद रखिए 13 मई 1952 पहली लोकसभा का गठन हुआ था, या तो 13 अप्रैल 1952, और 1954 में हुआ था राज्यसभा का, 1954 में हमने राज्यसभा नाम दिया था 1954। तो यहाँ आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे सदन की कार्रवाई के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है, इसके बिना सदन की कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो राज्यसभा हो। इसे क्या कहा जाता है? इसे गणपूर्ति कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया कि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमारी है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। पहली महिला अध्यक्ष, याद रखिए, मीरा कुमारी, और पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। अब यहाँ पे एक टर्म आता है शून्यकाल, यानी जीरो आवर। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। जीरो आवर का टाइमिंग जान लीजिए, ये 12 बजे होता है, इसी कारण से इसे जीरो आवर कहा जाता है। अभी होता क्या है शून्यकाल? क्या होता है प्रश्नकाल? जैसे कि सदन की शुरुआत होती है दो हाफ में होती है, तो फर्स्ट हाफ को कहा जाता है प्रश्नकाल और दूसरे हाफ को कहा जाता है कार्यसूची। ठीक है, फर्स्ट हाफ, सदन के फर्स्ट हाफ को कहा जाता है प्रश्नकाल, यानी 12 बजे से पहले जो सदन होते हैं उसे प्रश्नकाल कहा जाता है, और सेकेंड हाफ को कहा जाता है कार्यसूची, और इसके बीच में जो पड़ता है, यानी 12 बजे एग्जैक्ट जिसके बीच में जो पड़ता है उसे ही कहा जाता है शून्यकाल। सो आपको ये ध्यान में रखनी है, फर्स्ट हाफ प्रश्नकाल, सेकेंड हाफ कार्यसूची, और दोनों के मध्य का समय शून्यकाल कहा जाता है। सो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत ईजी है, सही उत्तर है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जी बी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। दोस्तों, आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि आप मुझे बताएंगे कि यूनिसेफ ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना यूथ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? हिमा दास, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या साइना नेहवाल? अगर आप लोगों को इसका उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे। इसके अलावा मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बात की है हिमा दास के बारे में, बहुत ही चर्चे में रही है ये खिलाड़ी, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। इसके साथ इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें मैंने हिमा दास से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नए नॉलेज के साथ, तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।